हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का आने में बीएससी बीकॉम सभी संकाय वाले जो भी हैं पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी आदमी अप्लाई किए हैं सारा का रिजल्ट कुछ दिन के लिए पेंडिंग हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पेंडिंग क्यों होगा, कैसे क्यों होगा, किस कारण से पेंडिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए हैं तो उसका मैं मेरिट लिस्ट आता है तो मैं बताते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो पर सीधे लेकर चलता हूं। तो दिया गया है पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट रोका। ठीक है फ्रेंड, स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट जो था आने वाला था 10, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10 के 15 के बीच में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है 10 से 15 के बीच में आए लेकिन थोड़ा लेट से आए, 15 16 ऐसे करके आए, क्योंकि कुछ वजह से अटका हुआ। तो मैं वजह बताता हूँ, सवर्ण आरक्षण के प्रावधानों को लागू करे या नहीं करे इसको लेकर असमंजस बना हुआ है कि सवर्ण आरक्षण को लागू करे या नहीं करे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सवर्ण आरक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश के आस में पटना विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट रोक दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नए प्रावधानों के वजह से राजभवन और शिक्षा विभाग इस बाबत दिशा निर्देश मांग गया है। सरकार और राजभवन से मिले निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मतलब फ्रेंड्स, जितना भी ये जो भी कारण है, ये आरक्षण की वजह से आरक्षण किसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, एक नया आरक्षण लागू हुआ था उसको इस यूनिवर्सिटी में अभी तक लागू नहीं हुई, जो कि फरवरी में ही करना था, तो उसके आधार पर देना हुआ रिजल्ट, तो उसी में कन्फर्म नहीं, असमंजस बना हुआ, इसी वजह से आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। कुछ दिन के लिए पेंडिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा देर लग सकती है। जितना संभावना थी आने का कि जल्दी आ जाए उतना नहीं आएगी। सवर्ण आरक्षण का विकल्प नहीं मिला, और नीचे में दिया गया सवर्ण आरक्षण का, जैसे आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उसमें आरक्षण का विकल्प नहीं दिया गया है, सवर्ण आरक्षण का विकल्प तो इस बार में भी दिया गया है। तो यहाँ पर नीचे में दिया गया छात्रहित में काम करेगा। प्रोफेसर झा ने बताया कि छात्रहित में काम करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में सोचेगा और जल्द ही इस पे कोई निर्णय लेंगे। और आप लोग का रिजल्ट ज़्यादा देर पेंडिंग नहीं होगा, कुछ पेंडिंग होगा क्योंकि ये आरक्षण की वजह से थोड़ा लेट लग सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी इसका कन्फर्म मेरिट लिस्ट पटना यूनिवर्सिटी का आप अप्लाई किए हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हैं बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नए नोटिफिकेशन से वाकिफ रहे, ऐसा ना हो कि रिजल्ट आ गई है और आपको मालूम ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।